Hello students, welcome back to our English class. Today we are going to discuss a new chapter from class 9th Beehive book, and the name of the chapter is My Childhood. Okay, so यहाँ पर हम मेरे childhood के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? Chapter का नाम है My Childhood, और इस particular chapter में हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन के बारे में, ठीक है? पॉपुलर जो अपने कामों के लिए पॉपुलर थे, अपने अचीवमेंट्स के लिए पॉपुलर थे, अपने बिहेवियर और नेचर के लिए पॉपुलर थे, ठीक है? ही इज द पर्सन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. हम ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रह चुके थे, और प्रेसिडेंट होने के बाद भी जिनमें 1% भी ईगो नहीं था, घमंड नहीं था, प्राइड नहीं था. तो आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में यहां बात कर रहे हैं. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम. तो यहां पर इस चैप्टर में हम बात करेंगे अब्दुल कलाम जी के चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना कोई टाइम वेस्ट किए. अपनी बुक ओपन करें और मेरे साथ साथ रीड करना स्टार्ट करें. कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो एक साइंटिस्ट भी रहा हो, साथ ही एक पॉलिटिशियन भी रहा हो? तो आंसर इज मिस्टर कलाम. APJ अब्दुल कलाम, हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, बिकेम आर 11th प्रेसिडेंट इन 2002. ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जो है, ही बिकेम कौन से प्रेसिडेंट थे ये? ही बिकेम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002. ईयर 2002 में APJ अब्दुल कलाम हमारे नेशन के 11th प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. तो उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर. उस विंग्स ऑफ फायर में वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो लेट्स बिगिन, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट. ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं. Erstwhile means former, ठीक है? तो क्या कहते हैं मिस्टर कलाम? मिस्टर कलाम कहते हैं that he was born in a
मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम रामेश्वरम फॉर्मरली मद्रास स्टेट। ठीक है, तो क्या कहते हैं कलाम सर? अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ। कहां पर? इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम के एक आइलैंड टाउन में पैदा हुआ जिसे पहले मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस He possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. चलिए वापस कुछ meanings देखते हैं। ठीक है, word use हुआ है innate. Innate means inborn. ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जो इंसान के अंदर बाय बर्थ होती है, जिसे सीखा नहीं जाता, जो उसके अंदर बाय बर्थ होती है। तो क्या कहते हैं कलाम? मिस्टर कलाम कहते हैं कि मेरे जो फादर थे जैनुलाब्दीन, उन्होंने ना तो कोई फॉर्मल एजुकेशन ली, ना ही उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद ही पजेस ग्रेट इनेट विजडम। उनके पास बहुत सारा इनबॉर्न विजडम था, बहुत ज्यादा समझदारी थी, एंड अ ट्रू जेनरियोसिटी ऑफ स्पिरिट। जेनरियोसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब वो बहुत दिलदार किस्म के थे, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और उन्हें एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिली मेरी मदर के फॉर्म में, जिनका नाम था आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे याद भी नहीं है कि हर रोज हमारे घर में कितने लोग खाना खाते थे, मेरी माँ कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस Then all the members of our own family put together. लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जितने भी मेंबर हमारी पूरी फैमिली में नहीं थे, उससे ज्यादा बाहर के लोग रोज हमारे घर में आकर खाना खाते थे। ठीक है, तो हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं नेम ऑफ फादर एंड मदर। Father's name and mother's name. किसके father और mother का नाम? Mr. Kalam के father और mother का नाम। तो क्या नाम था father का? Father का नाम था जैनुलाब्दीन, और mother का नाम था आशी अम्मा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक।
ठीक है। कलाम क्या कहते हैं कि मैं मेरे फादर और मदर के बहुत सारे बच्चों में से एक था, एक छोटा सा लड़का विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, ऑन द कॉन्ट्रेरी मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत टॉल थे, हैंडसम थे, लेकिन मैं शॉर्ट हाइटेड नॉट गुड लुकिंग चाइल्ड था, जो अच्छा नहीं दिखता था। वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। हम सब लोग हमारे एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, जो हमारा पुश्तैनी मकान था उसमें रहते थे, और वो जो मकान था वो मकान कहाँ कब बना था, 19th सेंचुरी के मिडिल में बना था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ठीक है, हमारा जो घर था वो एक पक्का मकान था जो लाइमस्टोन और ब्रिक्स, ईंट और चूने से बना था। ठीक है, मिट्टी के घर नहीं थे, वो जो पहले झोपड़ियां वगैरह थी वैसा घर नहीं था। इट वॉज अ पक्का मकान, पक्का हाउस, ठीक है, विच वॉज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, जिसे चूने और ईंटों से बनाया गया था। और वो घर कहाँ था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में था। तो लिख देते हैं ये भी हम बोर्ड पर। ठीक है, कौन सा मकान था, एंसेस्ट्रल हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। माय ऑस्ट्रे फादर, एक और वर्ड, नया वर्ड, ऑस्ट्रे। ऑस्ट्रे मीन्स सिंपल, एंड स्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे जो सिंपल और स्ट्रिक्ट फादर थे, यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। उन्हें कोई भी अनएसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज पसंद नहीं थी। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ। ठीक है, क्या कहते हैं कलाम, कलाम कहते हैं कि मेरे जो फादर थे वो अननेसेसरी लग्जरियस चीजों में पैसा खर्च नहीं करते थे। हाँ, लेकिन हमारी जो जरूरतें थी, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, कपड़ों से रिलेटेड हो, उन सभी जरूरतों को पूरा किया जाता था। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। इवन कलाम ये तक कहते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था, उनका जो बचपन था, वो बहुत ही सिक्योर चाइल्डहुड था, बोथ मटीरियली, उन्हें सारी चीजें मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी, सारी जरूरतें पूरी की जाती थी, और इमोशनल सपोर्ट अपने पेरेंट्स का उन्हें हमेशा मिलता था। इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। आगे कलाम कहते हैं कि जब मैं 8 साल का था, उस समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। फॉर reasons आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ sudden डिमांड फॉर tamarind सीड erupted इन द मार्केट। ठीक है, और उस समय अचानक से
रीजन आज तक कलाम को कभी समझ में नहीं आया, वो अपनी पूरी जिंदगी कभी उस रीजन को समझ नहीं पाए, लेकिन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अचानक से मार्केट में टैमेराइंड सीड यानी इमली के जो बीज होते हैं उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। तो कलाम क्या करने लगे, वो इमली के बीजों को इकट्ठा करने लगे और फिर उसको वो एक किराने की दुकान पर जो मॉस्क स्ट्रीट पर ही थी उस दुकान पर बेच आते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन आना। ठीक है, और बड़े मतलब मजाकिया तरीके से आयरॉनिकली वो ये कहते हैं कि एक दिन का जो मेरा कलेक्शन होता था बीजों का उसे बेचकर मुझे एक बहुत बड़ा पैसा अमाउंट मिलता था। कितना? एक आना। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं था वो, लेकिन एक 8 साल के बच्चे के लिए एक आना भी बहुत बड़ा अमाउंट था। ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामनी। अब कलाम के जो ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो अब्दुल कलाम को वॉर की स्टोरी सुनाते थे। ठीक है, जिसे बाद में अब्दुल कलाम दीनामनी की हेडलाइंस में सर्च करते थे। दीनामनी क्या था, कहां लिखें इसे, चलो यहां लिख देते हैं। दीनामनी, ठीक है, दीनामनी इज व्हाट नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। ठीक है, एक अखबार का नाम था। तो जलालुद्दीन कलाम को वॉर की कहानियां सुनाते थे और अगले दिन कलाम उन कहानियों को अखबार में ढूंढते थे। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। और इनका जो एरिया था रामेश्वरम जो था वो क्योंकि आइसोलेटेड था, दूर दराज का एरिया था, इसलिए वो वॉर से पूरी तरीके से कटा हुआ था, अनअफेक्टेड था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलीट फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्द ही इंडिया को फोर्स किया गया कि इंडिया भी एलीट फोर्सेस को ज्वाइन करें। एलीट फोर्सेस द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया। यूके, यूएसए और रशिया की जो आर्मी थी उस आर्मी को ज्वाइन करें। और इंडिया में क्या लग गया, उनके कलाम के एरिया में क्या लग गया, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और जो पहला ड्रॉबैक इन्हें हुआ वो पहला ड्रॉबैक था कि रामेश्वरम स्टेशन पर जहां पहले ट्रेन रुका करती थी वहां पर ट्रेन रुकना बंद हो गई। ठीक है, द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब क्या था कि ट्रेन तो अब स्टेशन पे रुकती नहीं थी, न्यूज़पेपर सारे कैसे आते थे, ट्रेन से आते थे, तो ट्रेन अब रुकती नहीं थी, तो क्या होता था, चलती ट्रेन से, ठीक है, न्यूज़पेपर्स के जो बंडल होते थे उन बंडल को रामेश्वरम रोड पर फेंका जाता था। ठीक है, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच का जो रामेश्वरम रोड था उस रोड पर वो बंडल, पूरे न्यूज़पेपर के बंडल फेंके जाते थे और दूसरा बंदा उन बंडल्स को कलेक्ट करता था और फिर रामेश्वरम में अखबार सप्लाई करता था। दैट फोर्स माय कजिन समसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। अब क्या हुआ, तो अब्दुल कलाम का एक कजिन था जिसका नाम था समसुद्दीन,
जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था। अब क्या हुआ, जब ट्रेन्स का रुकना बंद हो गया रामेश्वरम स्टेशन पे, तो शमसुद्दीन को एक और हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ने लगी कि मुझे एक बंदा ऐसा चाहिए जो या तो ट्रेन से वो न्यूज़पेपर का बंडल फेंक दे और मैं रोड रामेश्वरम रोड से उसे कलेक्ट कर लूं, या फिर अगर मैं ट्रेन से वो बंडल फेंकूं तो रामेश्वरम रोड से वो बंदा उनको कलेक्ट कर ले, ठीक है। और इस काम के लिए नेचुरली किसे चूज किया गया, कलाम को चूज कर लिया गया, क्योंकि कलाम उस समय फ्री थे। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन की मदद से कलाम ने अपनी लाइफ के पहले पैसे कमाए। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और आज वो कहते हैं कि 50 साल बाद भी वो जो अपनी पहली कमाई होती है, उस पहली कमाई का जो प्राइड है, जो गर्व महसूस होता है उस पहली कमाई का, उसकी उसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आगे कलाम कहते हैं, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। कलाम कहते हैं कि हर बच्चा अपने साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर पैदा होता है इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। एक स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक इमोशनल एनवायरनमेंट में वो पैदा होता है एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और जो भी उस बच्चे के ऊपर अथॉरिटी रखते हैं, उसके एल्डर्स, उसके माता पिता या और भी जो लोग उसके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं, वो उसे एक स्पेसिफिक तरीके से ट्रेंड करते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। कलाम कहते हैं कि मैंने भी अपने फादर से क्या इनहेरिट किया, मैंने अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और मेरी मदर से मैंने अच्छाई पर भरोसा रखना सीखा, काइंडनेस पर भरोसा रखना सीखा। एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर। और जो मेरे दूसरे तीन भाई और बहन थे, उन्होंने भी यही सब क्वालिटीज हमारे फादर और मदर से इनहेरिट करी। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। आगे कलाम कहते हैं कि बचपन में मेरे तीन बेस्ट फ्रेंड थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये तीन मेरे बचपन के दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और ये तीनों ही लड़के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कट्टर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आर सेल्फ बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स। लेकिन बचपन में हमने कभी भी आपस में कभी भी कोई डिफरेंस महसूस नहीं किया बिकॉज ऑफ आर रिलीजन एंड आर अपब्रिंगिंग। हमारे जाति की वजह से या फिर हमारे अपब्रिंगिंग की वजह से हमने कभी एक दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं किया। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। इनफैक्ट जो रामनाथ शास्त्री थे वो तो कौन थे, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे जो रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट थे। मतलब रामेश्वरम टेम्पल के जो पुजारी थे, हाई प्रीस्ट थे, उनका बेटा, ठीक है, रामनाथ शास्त्री किसका दोस्त था, अब्दुल कलाम का बहुत अच्छा दोस्त था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में लक्ष्मण शास्त्री के बाद रामनाथ शास्त्री ने क्या किया, उस मंदिर को संभालना शुरू किया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, जो भी रामेश्वरम टेम्पल के दर्शन करने आते थे उन लोगों के लिए अरविंदन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाते थे। एंड शिव प्रकाशन
बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, और जो शिव प्रकाशन थे वो सदर्न रेलवेज के लिए क्या बन गए, केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए, मतलब ट्रेन में खाना सप्लाई करने लगे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, अच्छा अब ये कल्याणम सेरेमनी क्या होता है, साउथ में कल्याणम सेरेमनी मतलब मैरिज सेरेमनी। तो वो कहते हैं कि हर साल जो ईयरली श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, राम सीता की विवाह का जो सेलिब्रेशन होता था, आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो उस फेस्टिवल में हमारी फैमिली क्या करती थी, नाव तैयार करती थी, बोट्स अरेंज करवाती थी जिस पर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बना होता था जिस पर राम और सीता की मूर्तियों को मंदिर से मैरिज साइट तक ले जाया जाता था। और मैरिज साइट कहाँ थी, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था विच वॉज नियर आर हाउस। ठीक है, शादी कहाँ होती थी, एक तालाब के बीच में होती थी जिसे राम तीर्थ कहा जाता था। तो उस तालाब के बीचों बीच जाने के लिए बोट्स कौन अरेंज करवाता था, कलाम की फैमिली अरेंज करवाती थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली। ठीक है, रामायण के किस्से और प्रॉफिट मोहम्मद की जो कहानियाँ थी उनके जो किस्से थे, ये हमारे लिए क्या थे, ये हमारे लिए बेड टाइम स्टोरीज थी जो मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर हम सब बच्चों को सोते समय सुनाया करती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई हम मुस्लिम थे तो सिर्फ हमें प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड किस्से ही सुनाए जाते थे, नहीं, रामायण भी हमारी जिंदगी का उतना ही बड़ा हिस्सा था जितना कि कुरान थी। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमने अभी एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया। आगे की कहानी जो है, आगे की कलाम के बचपन से रिलेटेड स्टोरीज जो है, उसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।